फर्स्ट एंट्री ठीक है। द सेल्स बुक ऑफ दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट, वर्डर लाइन कर लो शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है कम चल रही है, सेल्स बुक हमारी कम चल रही है और कितने से कम चल रही है, 500 से। बोर्ड पे देखो, देखो सेल्स बुक कम चल रही थी, कितने से चल रही थी, 500 रुपए से। मुझे बताओ सेल्स हमारी क्या होती है, ये तुम्हें याद रखना है, सेल्स हमारी होती है क्रेडिट। मुझे बताओ क्रेडिट कम चल रहा है ना, और कम चल रहा है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा। जब कोई चीज कम चल रही है और वो गलत है तो कम को ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, और क्रेडिट को बढ़ाना है तो अभी अभी मैंने बताया था, जब किसी चीज को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर डेबिट बढ़ाना होता तो क्या करते, डेबिट। जब तुम क्रेडिट बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो सेल्स को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, जितने से कम चल रही है, कितने से कम चल रही थी, 500 से, 500 से बढ़ा दो। देखो सेल्स तो हमने कर दी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन ऊपर तो पता नहीं क्या आएगा, जब हमें कुछ नहीं पता होता तो वहां पे अकाउंट खुल जाता है सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुल जाता है वहां पर हमारा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो 500 रुपए की एंट्री कर दो। अगली देखते हैं। अ पीरियोडिक टोटल ऑफ द परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय 5000। कास्ट शॉर्ट, इसका भी मतलब वही है, कम चल रही है। अब बोर्ड पर देखो, देखो हमारी जो परचेज बुक थी, हमारी जो परचेज बुक थी वो कम चल रही थी, और तुम्हें मालूम है परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। इसका मतलब ये हुआ डेबिट कम चल रहा है, बताओ डेबिट कम चल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर कोई चीज कम चल रही है तो उसे बढ़ाएंगे, ठीक कर देंगे, और अगर कोई चीज बढ़ी हुई चल रही है तो उसे कम करेंगे। तो ये तो डेबिट कम चल रहा था, कम को ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हें मालूम है जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो डेबिट है तो क्या करेंगे, डेबिट। जब भी किसी भी चीज को बढ़ाते तो डेबिट है तो डेबिट करेंगे, तो परचेज को डेबिट कर दो, जितने से कम चल रही थी, कितने से कम चल रही थी, 5000 से, 5000 से इसको डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। नीचे कुछ नहीं पता, और जब कुछ नहीं पता तो क्या आ जाएगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट 5000। तो 5000 से मैंने यहां पर एंट्री कर दी। आगे देखते हैं थर्ड एंट्री। द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 1500। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो परचेज रिटर्न बुक है, जो परचेज रिटर्न बुक है वो अंडर कास्ट चल रही है। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम चल रही है, और कितने से कम चल रही है, 1500 से। मुझे बताओ जब कोई बुक कम चल रही है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं इतने रुपए से कम चल रही है तो कम को ठीक करने के लिए बढ़ाएंगे। अब पहले देख लेते हैं परचेज रिटर्न होती क्या है। देखो परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न हमारी होती है क्रेडिट। परचेज रिटर्न हमारी क्या मानी जाती है, क्रेडिट मानी जाती है। अब अगर क्रेडिट कम चल रही है बढ़ाएंगे, और तुम्हें तो मालूम है जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो सेम तरीका है, क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट है तो डेबिट करेंगे। जब किसी चीज को बढ़ाना होता है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, तो कितने से क्रेडिट करेंगे, 1500 से। तो देखो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि टू परचेज रिटर्न आएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं पता, और जब किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता तो आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500, 1500। लास्ट एंट्री रह गई है इसकी, लास्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री देखते हैं।
सेल्स रिटर्न बुक इज एडेड 200 शॉर्ट। देखो सेल्स रिटर्न बुक क्या चल रही है, शॉर्ट। शॉर्ट पर अंडरलाइन कर लो, शॉर्ट का मतलब है कम चल रही है। और कितने से कम चल रही है, 200 से। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, सेल्स रिटर्न होती है हमारी डेबिट, और डेबिट कम चल रहा है। अब अगर कम चल रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हें मालूम है डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट ही करेंगे। जब भी किसी चीज को बढ़ाते हैं तो वो ही करते हैं, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। फिलहाल में डेबिट को बढ़ाना है, और कितने से बढ़ाना है, 200 से। तो कर दो सेल्स रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 200। तो कुछ नहीं पता, और जब कुछ नहीं पता तो आता है हमारा सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 200 से।